एक आकर्षक प्रेम कथानी नवी शुरुआत रूपे कलर से ताजेतरमा एक रोमांटिक ड्रामा स्पाई बहु रजू करी छे। स्पाई बहु नु प्रीमियर 14 मार्च 2022 ना रोज थयु हतु अने दर सोमवार थी शुक्रवार रात्रि 9 वागे फक्त कलर्स पर प्रसारित थाय छे। अमदावाद नी मुलाकात लेता सना सैयदे जणाव्यु, अमदावाद मा पग मुकता ज आ शहर नु वातावरण तेमने प्रभावित करे छे। आ शहर जेना माटे प्रख्यात छे ते मोढ़ा मा पाणी लाबी दे तेवी स्वादिष्ट वानगीओ ने मैं संपूर्ण आनंद माण्यो छे અને આ પ્રવાસમાં અમારા માટે શું સંગ્રહાયેલું છે તે જોવા માટે હું ખરેખર ઉત્સાહિત છું। તેજલનું પાત્ર એક સામાન્ય ગુજરાતી છોકરી છે જે આકર્ષક કપડાં પહેરે છે, આત્મવિશ્વાસ ધરાવે છે, ગુજરાતીમાં બોલે છે। હું સંસ્કૃતિ વિશે વધુ જાણવા માટે આ શહેરના લોકો સાથે વાતચીત કરવા ઈચ્છું છું। સાથે જ સહેબાન અઝીમે જણાવ્યું હતું કે હું અમદાવાદની પહેલી વાર મુલાકાત લઈ રહ્યો છું અને શહેરના આકર્ષણથી ખૂબ જ પ્રભાવિત છું। અમદાવાદમાં એવી ઘણી જગ્યાઓ છે જેની હું મુલાકાત લેવાની ઈચ્છા ધરાવું છું, જેથી કરીને હું આ શહેરના વાઇબ્સમાં ભીંજાઈ શકું। આઈ લવ ખમણ, આઈ લવ ઢોકળા, આઈ લવ ધ મીઠી દાલ, ઓર મતલબ હમારી ઇતને ફરસાન શોપ કે સીન્સ હોતે ના, ઇતના ફાફડા, ઢોકળા, ખમણ, પાત્રા સબ આતા હૈ, મેં સબ ખા લેતી હું। ખાના મતલબ મેને વો ગુજરાતી થાલી ટ્રાય કી હૈ, सब्जियों का नाम याद नहीं है बट सब्जियाँ और वो मीठी दाल एंड जीरा राइस और वो आलू की सब्जी एंड पुदीने की चटनी जो आती है और है ना, am I right? हाँ, ये सब मुझे बहुत पसंद है। मुझे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जिन्होंने इस मिशन पर भेजा है वही मुझे बताते हैं कि हमें इंटेलिजेंस जो है, इंडिया की इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी जो है, उनको शक है नंदा फैमिली पे, स्पेशली योहान नंदा पर। तो वो मुझे कन्विंस करते हैं कि तुम स्पाई बनो और तुम इसके ऊपर स्पाई करो। और मैं कैरेक्टर निभा रहा हूँ योहान नंदा का। शो का नाम है स्पाई बहू, जो कि 9 बजे कलर्स पे आएगा मंडे टू फ्राइडे। प्लीज़ देखिएगा, बहुत ही अलग कहानी है, बहुत डिफरेंट कहानी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ऐसा किरदार कभी निभाया नहीं है और ना मैंने इस तरह कोई शो किया है। दो लोगों की कहानी है, स्पाई बहू जो कि स्पाई है और बहू है, और योहान नंदा जिसकी वो बीवी है जिसके ऊपर स्पाई कर रही है, जो कि एक टेररिस्ट सस्पेक्ट है। अब क्या रीज़न है, कहाँ से वो सस्पेक्ट है, क्यों है, कश्मीर में क्यों होता है, वो अफगानिस्तान में क्या कर रहा होता है, वो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक सिंपल सी लड़की जो जामनगर से में बड़ी हुई है, जिसके सपने छोटे छोटे से हैं, वो किस तरह से स्पाई बन जाती है और किस तरह से उसको देश के लिए स्पाई बनना पड़ता है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगी। और दो बिल्कुल विपरीत लोग, योहान और सेजल, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। किस तरह से वो एक साथ आते हैं और किस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है शो में।